नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए सेठ सेठानी की पीपल पूजन की कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठानी ने पीपल को सींचने और दिया जलाने का नियम ले रखा था। सेठानी जी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थीं, परंतु सेठ और सेठानी जी को एक दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। इस बात से सारा गांव उन्हें ताने देता था। एक बार सेठानी जी ने एक तरकीब सोची। उन्होंने एक दाई को बुलवाकर उसे 9 लक्खा हार का लालच दिया और उससे कहा कि 9 महीने बाद गांव में जिस किसी के भी बालक पैदा हो, उसे एक बार मेरे घर लाकर रुला देना और सबको उसके रोने की आवाज सुना देना। अब सेठानी जी सेठ जी से कह देती हैं कि वो पेट से हैं। 9वें महीने में एक दिन दाई ने किसी के यहाँ से एक बच्चा लाकर सेठानी के घर में रुला दिया और सबको कह दिया कि सेठानी के बेटा हुआ है। बच्चे के जन्म के 1.25 महीने होने पर सेठानी ने जलवा पूजन का कार्यक्रम रखा और उसमें बच्चे के स्थान पर कटार रख दी। जब सबने बच्चे को दिखाने को कहा तो सेठानी ने कहा कि कुंवर को नजर ना लग जाए, इसलिए मैं उसे बाहर नहीं निकालूंगी। देखते ही देखते 6 वर्ष बीत जाते हैं, पर सेठानी अपने बेटे को किसी को नहीं दिखाती। एक दिन सेठानी जी सेठ जी से बोली, मेरा बेटा पढ़ने के लिए काशी जाएगा। सेठ जी ने सारे इंतजाम करवा दिए। अब सेठानी अपने बेटे को काशी भेज देती है और ये बात सबको बता दी जाती है। दिन बीतते जाते हैं और सेठानी का बेटा 16 वर्ष का हो जाता है। एक दिन सेठानी सेठ जी से कहती है, मुझे मेरे बेटे का ब्याह करना है, आप एक सुंदर और सुशील कन्या ढूंढो। तब सेठ जी कहते हैं, जिस बेटे को आज तक मैंने नहीं देखा, उसकी शादी कैसे होगी? तब सेठानी जी कहती हैं, आप कन्या ढूंढो, मेरा बेटा आ जाएगा। सेठ जी कन्या की तलाश में निकल जाते हैं। चलते चलते वो एक गांव में पहुंचते हैं जहां कुछ लड़कियां खेल रही थी। शाम को जब सभी लड़कियां अपने घर जाने लगी तो उनमें से एक लड़की जो सेठ जी को सुशील और सुंदर लगी, वो उसके पीछे पीछे चल दिए। उसके घर जाकर उसके पिताजी से शादी की बात कर शादी पक्की कर दी। शादी की रस्में शुरू हुई। सगाई में सेठानी बहाना बना देती है कि अभी बेटा काशी से नहीं आया, इसलिए मेरे बेटे की कटार की सगाई की रस्म कर दो। इसी प्रकार शादी में भी सेठानी कटार के साथ कन्या का विवाह कर देती हैं। अब नई बहू ससुराल में आ जाती है। जब रोज की तरह सेठानी जी सुबह मंदिर जाने लगती हैं, तो बहू को 7 कोठरियों की चाबी देखे जाती हैं और कहती हैं, बहू ये 7 कोठरियों की चाबी है, तू इनमें से रोज एक कोठरी खोलना, लेकिन 7वीं कोठरी मत खोलना। बहू कहती है, ठीक है। अब जैसे ही सेठानी जी मंदिर जाती हैं, बहू पहले दिन जाकर पहली कोठरी खोलती है तो उसमें बहुत सारे रेशमी और सुंदर सुंदर कपड़े रखे देखती है। बहू उन कपड़ों को पहन पहन कर देखती है और खूब खुश होती है। दूसरे दिन जब बहू दूसरी कोठरी खोलती है तो उसमें बहुत सारे गहने होते हैं। बहू उन सभी को पहन पहन कर देखती है। तीसरे दिन बहू तीसरा कमरा खोलती है और चौथे दिन चौथा। ऐसे ही करते करते वो 6 कमरे खोल के देख लेती है, लेकिन 7वें दिन वो 7वां कमरा नहीं खोलती। जैसे ही सेठानी जी मंदिर जाती हैं, बहू अपने दरवाजे पे आकर खड़ी हो जाती है। तब पड़ोसन उससे कहती है, क्यों नहीं बहू, अभी तेरा पति
काशी से वापस नहीं आया? तो बहू कहती है, नहीं, अभी वो काशी से वापस नहीं आए। तो पड़ोसन कहती है, वो कभी काशी से आएगा भी नहीं। हम में से किसी ने भी आज तक उसे नहीं देखा। हमने तो क्या, आज तक सेठ जी ने भी अपने बेटे को नहीं देखा। तब बहू विचलित हो जाती है और जाकर सातवें कमरे का दरवाजा खोलती है तो देखती है कि सातवें कमरे में एक मंदिर और पीपल का पेड़ होता है। बहू सोचती है, घर में इतना सुंदर मंदिर और पीपल का पेड़ है तो माता जी किसी और मंदिर क्यों जाती हैं? वो सातवें कमरे के पीपल के पेड़ और मंदिर के पास जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद उस पीपल के पेड़ में से एक 17-18 वर्ष का कुंवर बाहर आता है। बहू उसे देखकर पूछती है, आप कौन हैं? तो वो कहता है, मैं तुम्हारा पति हूँ। बहू बोली, आप तो काशी पढ़ने गए थे, आप कब आए? तब कुंवर बोला, बस अभी, पर तुम माँ को मत बताना, बहू ने अपने पति को आज तक नहीं देखा था, इसलिए उसे अपना पति मानकर वो उसके साथ बातें करने लगती है। अब ये रोज का नियम हो जाता है। जैसे ही सास मंदिर जाती, बहू सातवें कमरे में जाकर कुंवर से बैठी बातें करने लगती। थोड़े दिनों बाद बहू पेट से हो गई। अब सेठ जी सेठानी जी पर चिल्लाने लगे, मेरा तो बुढ़ापा खराब हो गया, मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा। तब सेठानी ने प्यार से बहू से पूछा, बहू ये किसका बच्चा है? तब बहू बोली, ये आपके बेटे का है, वो काशी से आ गए हैं और सातवें कमरे में छुपे हुए हैं। उन्होंने मुझे आपको ये बताने से मना किया था। तब सास उसे कहती है, तू अपने पति से कह देना कि तेरी गोद भराई के दिन तेरे पास आकर बैठ जाए। बहू कहती है, ठीक है। अगले दिन वो कुंवर को ये बात कह देती है तो कुंवर उससे कहता है, माँ से कहना मैं आ जाऊंगा। अब सास और बहू दोनों निश्चिंत हो जाती हैं। सातवें महीने में बहू की गोद भराई की रस्म रखी जाती है। तब सारा गांव सेठ जी के यहाँ आता है। जब बहू को बाहर लाकर बिठाया जाता है तो थोड़ी ही देर में एक 17-18 वर्ष का बहुत सुंदर कुंवर बहू के पास आकर बैठ जाता है। उसे देखकर सभी मेहमान चौंक जाते हैं। गांव की औरतें कहती हैं, अरे इतना सुंदर कुंवर, इसीलिए सेठानी ने आज तक इसको छुपा कर रखा था। कार्यक्रम के बाद जब सभी गांव वाले चले जाते हैं तो वो कुंवर वापस जाने लगता है। तब सेठानी और बहू दोनों उसका हाथ पकड़ लेती हैं और कहती हैं, अब हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। तब उस पीपल के वृक्ष से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट होते हैं और सेठानी से कहते हैं, सेठानी ये तेरे जीवन भर के पीपल को सींचने और दिया जलाने का प्रताप है, तुझे हम ये कुंवर दे रहे हैं। ये बात सुनकर सेठानी और बहू दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती हैं। हे भगवान विष्णु, जैसे सेठानी की गोद भरी, ऐसे ही इस कहानी को कहते सुनते और हुंकार भरते सब पर कृपा करना। जय श्री हरि विष्णु।